बड़े से बड़े गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले हिटमैन रोहित शर्मा अपनी एक आदत से खूब परेशान रहते हैं, जिसका खुलासा उन्होंने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में किया। हम आपको बता दें कि मैदान में हिटमैन के नाम से मशहूर मोहित शर्मा अपनी एक पर्सनल आदत की वजह से खूब परेशान रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने इस आदत की वजह से वो टीम के बीच मजाक का पात्र बन जाते हैं। लेकिन रोहित बहुत ही ज्यादा कूल रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मजाक का ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हिटमैन किस आदत की वजह से खूब परेशान रहते हैं। आपको बता दें कि हिटमैन रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बहुत ही ज्यादा भूलने की बीमारी है। वो इस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार परेशानियों से भी जूझना पड़ता है। हिटमैन रोहित शर्मा ने आगे कहा कि वो अपने एंगेजमेंट रिंग ही होटल में भूल गए थे, जिसके बाद न तो वो इस बारे में किसी से बता पा रहे थे और न ही किसी को बताए बिना रह भी नहीं पा रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने हरभजन सिंह की मदद ली। रोहित शर्मा ने उस वाक्य को याद करते हुए कहा कि उन दिनों उनकी नई नई सगाई हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें रिंग पहनने की आदत नहीं थी। ऐसे में उनसे उनके रिंग खो गई थी। रिंग खोने के बाद वो काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर रितिका को पता चल जाता तो मामला गड़बड़ा जाता। दरअसल रिंग होटल में खो गई थी और रोहित शर्मा होटल से निकल भी आए थे। पूरे बस में वो इसी बात से परेशान थे कि वो आखिर किसको इस बारे में बताएं ताकि उनकी ये समस्या खत्म हो जाए। रोहित ने जब उमेश को देखा तो उन्हें रिंग की याद आई, जिसके बाद उन्होंने हरभजन सिंह को बुलाकर कहा कि अगर आपका कोई होटल में जान पहचान का हो तो उसको बोलकर मेरी रिंग रखने को कह दीजिए, मैं वापसी में लेते जाऊंगा। जिसके बाद ये खबर पूरी तरह से लीक हो गई और विराट कोहली ने इसे पूरी तरह से न्यूज बना दी, जबकि रोहित ने इसके बाद कभी भी इस गलती को नहीं दोहराई। इसके बाद रोहित ने रितिका से माफी भी मांगी थी। रोहित को बहुत ही ज्यादा भूलने की बीमारी है। ऐसे में विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रोहित को किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती है, फिर चाहे उसको फोन और पासपोर्ट ही क्यों ना हो, तो बस यही कहता है कि दूसरा ले लेंगे। ऐसे में अब तो टीम प्रबंधन भी रोहित से ये पूछते हैं कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। इनके सबके अलावा रोहित को देर तक सोने की आदत है, जिसकी वजह से वो सोने से पहले अपने साथियों को जगाने के लिए भी कहते हैं, वरना वो सोते ही रहते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।